वेलकम टू SG Inception और एक्वेरियम चैनल। आज पहली बार मैं गुजरात में आया हूँ एक न्यू शॉप कवर करने जो हाल ही में खुली है, हाल ही में इनॉग्रेट हुई है। इस शॉप का नाम है गुजरात फिश शॉप, जो एक होलसेल और रिटेल शॉप है। इस शॉप के अंदर आपको काफ़ी सारे फिशेस की वैरायटीज मिलेंगे और ये शॉप रिटेल एज वेल एज होलसेल में डील करती है। और इस वीडियो में हम इनके फ्लावरॉन्स देखने वाले, ये फ्लावरॉन का वीडियो होने वाला है क्योंकि इनके पास काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन है फ्लावरॉन्स के। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो इनके सारे खूबसूरत फ्लावरॉन्स देखने के लिए। सो आई हैव स्टेप्ड इनसाइड द गुजरात फिश शॉप और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत, हेल्दी, एक्टिव, वेल सेटल्ड फ्लावरॉन्स है। और ये फ्लावरॉन आप सामने देख सकते हो यहाँ पे, और ये वाला फ्लावरॉन आप देख सकते हो कि काफ़ी जायंट साइज का फ्लावरॉन है। और आप ऊपर भी फ्लावरॉन देख सकते हो इनके। और इतना ही नहीं, देयर इज अ वॉल फुल ऑफ फ्लावरॉन्स जो यहाँ पे हम आगे वीडियो में सारे फ्लावरॉन्स इनके देखने वाले हैं। इनके पास SRD से लेके मॉन्स्टर कॉक से लेके वाइट आइस, काम्फाज, ये सारे फ्लावरॉन्स इस पूरी वॉल, ये पूरी वॉल जो है फ्लावरॉन्स के टैंक से भरी हुई है जो आगे चल के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में ये सारे खूबसूरत, एक्टिव, हेल्दी, वेल सेटल्ड फ्लावरॉन्स देखने के लिए जो काफ़ी आई कैची है, जिनके ऊपर आपकी जो है नज़र नहीं हटेगी, इसकी मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। तो बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो में पूरा गुजरात फिश शॉप देखने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ है हमारी जानी मानी शख्सियत, यर इज मिस्टर अबरार। हेलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एट गुजरात। पहली दफ़ा मैं गुजरात आया हूँ और वो भी एक नई फिश शॉप कवर करने। तो हमारे व्यूवर्स के साथ क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या रीज़न है मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का? सबसे पहली चीज़ कि जिस तरह से आप जानते हैं मैं हॉबी के लिए काम करता हूँ जी, और फ्लावरॉन मेरी हॉबी है, मेरा क्रेज है जी। बहुत सारे कॉल्स आए हैं जिस दिन से मेरा यूट्यूब पर वीडियो आया था मुझे गुजरात से कि भाई आप यहाँ पर कुछ एक आउटलेट ओपन करो, हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है फ्लावरॉन के रिगार्डिंग जी। क्योंकि मेरे पास कॉल जब आता है तो मैं उनको सेलेक्टेड पीसेस जो रहते हैं वो दिखा पाता हूँ, लेकिन मैंने कहा जो एक हॉबीज की ड्रीम रहती है कि उसे एक एंटायर सेटअप देखने मिले पूरा फ्लावरॉन का, और उसमें से वो 100 पीसेस रखे हुए, 150 पीसेस रखे हुए, उसमें से वो एक सेलेक्ट करके ले, वो एक ड्रीम रहता है हॉबीज का, क्योंकि वो लेता है सिर्फ एक फिश, लेकिन उसे देखने की इच्छा रहती है कि मैं जो ले रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट रहे। तो उस वजह से फिर मैंने यहाँ पर गुजरात के अंदर मेरे दोस्त से बात करके यहाँ पर मेरी एक शॉप ओपन की है। ये मेरे भाई की शॉप है जी जी, जिसे मैंने यहाँ पर ओपन किया। मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करूँगा जी, हम जरूर मिलना चाहेंगे उनसे। इंटेंशन एक है जी जी, कि हॉबीस्ट को अच्छी चीज मिले, रीजनेबल रेंज में मिले और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिले, ताकि वो है एक ऐसा उस मंजी फिश को जब वो पाले तो उसे उसमें मजा आना चाहिए जी। और उसकी जो एक ये रहती है कि नहीं उसे बहुत सारे पीसेस देखने हैं जी, तो वो क्यूरियोसिटी उसकी खत्म करने के लिए हमने पूना के अलावा जो है अभी यहाँ पर भी एक शॉप ओपन की है जी जी, गुजरात के हॉबीस्ट के लिए। होप सो कि गुजरात के हॉबीस्ट इस चीज को पसंद करेंगे और हमारी मेहनत को सराहेंगे जी जी जी। मेरे भाई से इंट्रोड्यूस कर जी, जरूर हम मिलना चाहेंगे गुजरात फिश शॉप के ओनर से, यर इज मिस्टर चांद। हेलो सर, तो जानना चाहेंगे आपसे गुजरात फिश शॉप विद जॉइंट इनिशिएटिव विद मिस्टर अबरार, जिनके फ्लावरॉन्स को काफ़ी सहारा लोगों ने काफ़ी जो है प्यार किया है, पसंद किया है, और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जॉइंट इनिशिएटिव आपने अबरार भाई के साथ किया है और यहाँ पे मैं आया हूँ आपके सारे फ्लावरॉन्स कवर करने के लिए, काफ़ी उत्सुक हूँ मैं। पर उससे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है गुजरात फिश शॉप? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। ये बड़ा दमदार सवाल है जी कि आज इतनी दूर से बंदे को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं और बंदे के साथ में उनकी क्वालिटी और वैरायटीज लाए जी। ये सिर्फ एक छोटा सा काम था जो हमारे दोस्त हैं, जो लोग मछली पालते हैं, फ्लावर होम रखना चाहते हैं, उनको सही वैरायटी की वो ढूंढ में लगे रहते हैं, हर वक्त खोज में लगे रहते हैं, पर उन तक ये वैरायटी जाती नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक हब बनाया है फ्लावर होम का, जो कि यहाँ पे बिल्कुल कस्टमर के बजट में उनको उनके पूरी की पूरी रेंज यहाँ पे अवेलेबल होती है जी। सिर्फ एक इतना सा ही है कि अब उनको उनके रेट के अंदर, उनके दाम के अंदर, उनकी चॉइस के पीस उठा करके ले जा सकते हैं सेट किए हुए। बस यही मेरा काम था जी जी, और जिसमें मैंने कोशिश की है जी जी। अब देखते हैं व्यूअर्स और आप लोग जी जी, मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स को भी आपका ये जो काम है बहुत ही पसंद आएगा। और आपकी एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है अबरार भाई की भी, कि
हॉबी को प्रमोट करना है, सिर्फ सेलिंग का इंटेंशन नहीं है, लोगों में हॉबी की जो है प्रमोट करना है, हॉबी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो विथ योर परमिशन, आपके परमिशन के साथ, क्या आप हमारी आपकी सारी फ्लावरॉन्स देख सकते हैं हम? बिल्कुल जी, तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बड़े फ्लावरॉन्स हैं, हम उनके ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे काफ़ी मॉन्स्टर कॉक का फ्लावरॉन है। मेरे साथ अबरार भाई है यहाँ पे, और अबरार भाई, मैं जानना चाहूँगा इस फ्लावरॉन के बारे में, सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे आप? ब्यूटीफुल पीस है भाई, मैग्मा में आता है, मैग्मा मॉन्स्टर कॉक जिन है ये। ओके, और ये नहीं कैसा है, वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त। ओके, कैसा है पीस? काफ़ी सेटल है, हेल्दी है। जी जी, वो हिसाब से ही है। ओके, और क्या करंट इसकी साइज़ है, क्या मैं जान सकता हूँ? ये इस वक्त जो इसकी साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली, ये पकड़ कर चलिए तकरीबन जो है वो 7 inches के करीब का है। 7 inches के करीब का। ओके ओके, और क्या रीज़न है इसके इतने मॉन्स्टर हेड का और इतने अच्छी बॉडी के, क्या क्या रीज़न है इसको, क्या खेला है आपने, कैसा रेजिंग किया? नॉर्मली ये ऑनेस्टली आपको बताओ तो जो ब्लड लाइन रहती है वो ब्लड लाइन का ही रिजल्ट रहता है। जी जी, तो हम लोग, हमारी बेसिक कोशिश यही रहती है कि हम अच्छी ब्लड लाइन की चीज़ें लेकर आए। ओके, ताकि यानी क्या ऐसा है, छोटे साइज में भी रहे तो क्वालिटी सुपीरियर रहना चाहिए, ताकि उसका रिजल्ट जो है वो हॉबीज को अच्छा मिलता है। जी जी, तो उसी के ऊपर, जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं, उसी में छोटे बच्चे भी है हमारे पास, यानी कैसा नॉर्मली 3 inch, 2.5 inch, 3 inch के बच्चे भी हैं। ओके, उसकी रीज़न यही रहती है हमारी वीडियोस की और हमारी क्वालिटीज की, कि हम जो है वो सिर्फ ब्लड लाइन पर काम करते हैं और क्वालिटी पर काम करते हैं। जी, और आपकी क्वालिटी जो है फिश देखकर ही पता चल जाती है, उसकी एक्टिवनेस देख के पता चल जाती है, उसका जो बॉडी कलर है, बॉडी पैटर्न है, वही देख के पता चल जाती है। इसलिए बहुत खुशी होती है मुझे आपके फ्लावरॉन्स कवर करने के लिए, और यहाँ पे हमारे गुजरात के व्यूवर्स को, साथ ही हमारे जो भी भारत के देखने वाले व्यूवर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपके फ्लावरॉन्स, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो परचेस करने में। अभी बढ़ेंगे हम हमारे अगले फ्लावरॉन्स। तो यहाँ पे अबरार भाई, एक और बड़ा फ्लावरॉन है। यस सर, और काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? एसआरडी मॉन्स्टर कॉक जिन है। ओके, जैसे अभी ये हो गया, अभी आप ये जो साइड का पीस देख रहे हैं। जी जी, जो इस पीस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये पीपी ब्लड लाइन में से है। ओके, पीपी के हमारा सारा स्टॉक ओवर हो चुका है, जस्ट एक लास्ट पीस है। जी जी, रिमेनिंग जो हमने हमारी ब्लड लाइन हमारे शॉप के ओपनिंग के लिए रखी हुई थी। ओके, तो वो चीज़ दिखानी थी, एक ये पीस है। जी, फ्लावरॉन तो काफ़ी सारे हैं। जी जी, बहुत अच्छे अच्छे। और मैं हमारे व्यूवर्स को भी एक लुक दे देता हूँ कि यहाँ पे देर इज़ अ रो फुल ऑफ फ्लावरॉन्स, हम आगे जाके उन फ्लावरॉन्स को भी कवर करेंगे। अभी जो है हम पहले ये जो है रैक कवर कर लेते हैं। जैसे कि हमने दो मॉन्स्टर फ्लावरॉन्स देखे, राइट साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे, और एक खूबसूरत फ्लावरॉन है। और अबरार भाई, मैं जानना चाहूँगा, ये काफ़ी एक्टिव फ्लावरॉन है, अगेन मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी घुल मिल रहा है टैंक के अंदर आपके हाथों के इशारों पर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ये वैरायटी के बारे में? ब्यूटीफुल है सर, इसमें से आता है, मैग्मास में ही आता है। जी, लेकिन यानी कैसा, आप साइज देख सकते हैं, हेड देख सकते हैं, बॉडी शेप देख सकते हैं। जी जी, हेड साइज की जो है, बॉडी साइज जो है वो एक्चुअली इसकी जो है वो 3 inches की है। ओके, और हेड उसका काफी अच्छा है। ये हमारी होलसेल और रिटेल की जो वैरायटीज है जी, वो जी मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे फिशेस है हमारे पास। जी जी, यानी कैसा है, ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा गुजरात के अंदर उतरने का। जी जी, फ्लावरॉन की रेंज को लेकर, ताकि यहाँ के हॉबीस्ट को, यानी कैसा है, जब पुना से वीडियो देखते हैं, उसके बाद कॉल आता है, उसके बाद फिर मैं उनको 5-6 वीडियोस में से कुछ सेलेक्ट करके देता हूँ। जी जी, यहाँ पर एट ए टाइम पर उन्हें 70-75 पीसेस देखने मिलते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मंथ में जो प्रोजेक्ट में आ रहे हैं वो और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ दिखेंगे आपको। ओके, क्वालिटी में यानी कैसा है, रेट भी रिजनेबल है, क्वालिटी भी अच्छी है। जी, और क्वालिटी जाहिर सी बात है हमारे आंखों के सामने है। जी, पॉकेट फ्रेंडली है सारे पीसेस, जो सिर्फ हॉबीस्ट के लिए है। जी, यानी क्वालिटी के साथ इकोनॉमिकल प्राइसेस में भी हमको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये सारे हमने जो है टैंक्स कवर किए। अब हम बढ़ते ऊपर वाले टैंक में, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि फ्लावरॉन्स है। हम ये वाले फ्लावरॉन को कवर करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट टैंक में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे भाई? मैग्मा है, मैग्मा ब्लड लाइन में है। ओके, जैसे इसके आप मार्किंग देखते हैं, बहुत खूबसूरत है। जी जी, हेड भी इसका बहुत प्यारा है, फुल और एक्टिव पीस है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। जी जी, जैसा आप उसके साथ खेलते हैं, फ्लावरॉन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि फ्लावरॉन फिश जो है वो प्लेफुल फिश है। राइट, और पीछे पब्लिक उसे पसंद भी सिर्फ उसी चीज़ के लिए करती है कि वो आपके साथ में खेलती है, आपको रिस्पॉन्स करती है, जैसा आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपके साथ में वैसा खेलती है। जी जी, और भाई आपके फ्लावरॉन्स तो मैं बताना चाहूँगा कि हर एक फ्लावरॉन जो है एक्टिव होता है, प्लेफुल होता है,
और उसकी एक्टिवनेस जाहिर सी बात है हमें सामने दिख रही है. तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ये वाले फ्लावरॉन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? शॉर्ट बॉडी है, शॉर्ट बॉडी, शॉर्ट बॉडी भी सेम ब्लड लाइन है, मैग्मा में ये भी है, मैग्मा में वो भी है, बट वो शॉर्ट बॉडी है, ये लॉन्ग बॉडी है. ओके, हमारे पास सारे वेरिएंट्स है. जी जी, एसआरडीज है, मैग्मास है, वाइटाई कॉम्पास है, वाइटाई है, एसआरडीज है, बहुत सारी चीजें है हॉबीस्ट के लिए. ओके, बस ये है कि हॉबीस्ट आए. पर्सनली इन्हें का ऐसा है, मैं वीडियोस में उतनी खूबसूरत नहीं दिखती है, जी जी, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है नहीं, जी जी जी. तो मेरी हॉबीज से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप खुद आए जी, और आकर खुद अपनी उस क्वालिटी को देखें, क्योंकि आप जब प्रेजेंटली देखते हैं सामने जी जी, तो उसमें आपको पता चलता है कि फिश कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत जी. और मेरा भी व्यूअर्स से यही कहना है कि वो जब मांगते हैं आपसे, तो जो वीडियो में दिखती है, जितनी खूबसूरत वीडियो में फिश दिखती है, उससे दुगना खूबसूरत जो है एक्चुअल सामने हमें दिखती है. जैसे कि हम कोई भी नज़ारा देखते हैं फोटो और वीडियो में देखने से अच्छा, एक्चुअल जो हम आंखों से देखते हैं वो नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है, और उसी फिशेस का भी है. बढ़ते हैं यहाँ पे, एसआरडी लॉन्ग बॉडी एसआरडी. ओके, ये नहीं कैसे, ये हमारा जो आपको अभी दिखा रहा हूँ जी, ये हमारा होलसेल स्टॉक है. ओके, ये इसकी क्वालिटी बोले तो जो नॉर्मल होलसेल स्टॉक आता है वैसा नहीं है. जी जी, हम होलसेल में भी जो है वो सुपीरियर क्वालिटी लेकर आना पसंद करते हैं, ताकि यानी क्या ऐसा जो हॉबीस्ट रहे जी जी, उनको जो है वो अफोर्डेबल रेंज के अंदर रहनी चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट रहना चाहिए. आपको इंटरप्ट करके पूछना चाहूँगा मैं अबरार भाई, हमारे जो है होलसेलर्स भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो हॉबीस्ट है वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? इसलिए दोनों के लिए है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है. लेकिन हमारे होलसेल का कंसेप्ट कैसा रहता है, जब आप होलसेल में कोई चीज़ मांगते हो तो आपको वॉल्यूम में लेना पड़ता है. ओके, अगर आप मान लीजिए एक आध दो पीस मांगेंगे तो उसमें होलसेल होता नहीं है. जी जी, लेकिन फिर भी यानी कैसा, ये हमारी न्यू शॉप है, तो हम होलसेलर्स को भी सपोर्ट करेंगे और हॉबीस्ट को भी सपोर्ट करेंगे. इंटेंशन फ्लावरन हॉबी को प्रमोट करना है, इस वजह से मैं खुद आज यहाँ पर खास करके आया हूँ. जी, इस टैंक के तरफ यहाँ पे मेरे साथ अबरार भाई है. भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये देखिए दोनों का पंच पेस है जी, बॉडी मार्किंग देखिए कैसे खूबसूरत है, पीसेस सारे जो है ये डुअल टोन के अंदर है. जी जी, यानी ये डुअल टोन मीन्स कैसे, आगे का एक कलर अलग रहेगा, आगे का एक कलर अलग रहेगा जी जी, और पीछे उसका येलो शेड खुलेगा. ओके, ये भी आप देख रहे हैं सारे सेल्फ सेलेक्टेड है थाईलैंड से जो मैं गया हूँ. जी जी, स्पेसिफिकली थाईलैंड जाने का रीजन मेरी ये शॉप का था. ये सारे हैंड पिक्ड फ्लावर ऑन से पिक्स है. ओके, मैं खुद जाकर सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ. जी जी, और हम लोग हर महीने यही कोशिश करते हैं कि हॉबीस्ट को यानी क्रैप न दे, जो भी हम हॉबीस्ट को दे रहे हैं वो प्रीमियम ग्रेड की चीज रहनी चाहिए जी. और ये जो है आप हर एक पीस की खूबसूरती देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है हर एक पीस. जी जी, हर एक पीस की खूबसूरती आप देख सकते हैं. ये यानी कैसा है, होलसेल में नहीं आती है, ये हैंड पिक पीसेस है जिन पर हम लोग मेहनत करके जो है वहाँ जाकर हर एक फार्म में से सेलेक्ट करके लेकर आए हुए चीजें हैं. ओके, जैसे अभी ये शॉर्ट बॉडी एसआरडी है, मॉन्स्टर कुकजिन में आएगा. जी जी, ब्यूटीफुल पीस है, एसआरडी के अंदर जो है शॉर्ट बॉडी है. जी जी, अभी भी ये फिशेस जो है आउट ऑफ स्ट्रेस नहीं है 100%. अच्छा, जस्ट ये अभी यानी क्या ऐसा है, 10 दिन पहले कंसाइनमेंट आया है, क्वारंटाइन हुआ है. जी जी, क्वारंटाइन होने के बाद अभी फिशेस को हमने जो है वो ग्रूमिंग टैंक्स के अंदर डाला है. ओके, अभी इसके अंदर जो है वो इसमें और डेवलपमेंट होगी और खूबसूरत बनेगी. ये जो चीज़ें आप देख रही है इसका हेड और इससे खूबसूरत है. ओके, लेकिन इसकी जो बॉडी है और इसकी बॉडी में जो क्यूटनेस है, जी जी, दिखने में शॉर्ट बॉडी के अंदर बहुत क्यूट पीस है वो. ओके, बढ़ेंगे लेफ्ट साइड मैग्मा के अंदर है. मैग्मा जो भी है इस टाइम पे हमने खास करके जो है वो थोड़ा सा मैग्मा का कलेक्शन ज्यादा किया था. जी जी, क्योंकि उसकी मार्किंग बहुत प्यारी लगी मुझे. ओके, पर्सनली मैंने जब वहां पर पीसेस देखे मुझे बहुत पसंद आए पीसेस. जी जी, खूबसूरत पीसेस है और उसके अंदर का ऐसा मार्किंग बहुत खूबसूरत लगती है. तो जो हॉबीस्ट है, कुछ हॉबीस्ट एसआरडी लेना पसंद करते हैं, कुछ हॉबीस्ट जो रहते हैं वो मार्किंग देखकर पीसेस लेना पसंद करते हैं. यानी तो सबके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके पास फ्लावर ऑन फिश, राइट? एक चीज के लिए बहुत सारे हॉबीस्ट ऐसे है जिनको वाइट आई जो यूनिक चीज है वो पसंद आती है, कुछ को रेड आई पसंद आती है. हर एक हॉबीस्ट की अपनी डिमांड रहती है, हर एक हॉबीस्ट की अपनी एक मस्ती रहती है. तो उस हिसाब से वो जो है वो चीज लेना पसंद करता है. बहुत बढ़िया. फ्लावरन कैसे आप एक ही बार खरीदते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि वन ऑफ द बेस्ट आपको दे, ताकि यानी कैसा वो आपका लवेबल पेट रहे आपके पास. और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स कम बायर्स है उसलिए आपके फ्लावरॉन्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आपके जो वीडियो को हमेशा प्यार मिलता है, क्योंकि आपके फ्लावरॉन्स की क्वालिटी जो है बोलती है, जो साफ दिखाई देती है हमें वीडियो में. हमारी एक खास करके एक बात ये भी रहती है कि हम जो चीज़ें हेल्दी नहीं है जी जी, हम उसे रखकर ट्रीट करना पसंद करते हैं, ना ही सेल करते हैं. जी जी, जब तक कहने का ऐसा है वो फिश 100% हेल्दी नहीं है हम सेल आउट नहीं करते हैं. ओके, जब वो हेल्दी है तभी वो सेल पर आती है. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्लावर ऑन्स एट गुजरात फिश शॉप.
अब्रार भाई क्या फ्लावर ऑन है, कौन सा फ्लावर ऑन है ये? ये मेटेलिक मैग्माज में आता है, मैग्मा की ब्रीड में है ये। जी जी। यानी क्या ऐसा, इसमें थोड़ा सा ब्लूइश शेड ज़्यादा रहता है। ओके। आप देख रहे हैं। जी जी। हर एक फिश की एक खासियत रहती है। ओके। हर एक फिश जो है वो यूनिक है, हर एक फिश जो है वो एक खूबसूरत है। जी। एसआरडीज के अंदर, मैग्माज के अंदर आप जैसे मार्किंग देख सकते हैं, इसकी बहुत प्यारी मार्किंग है। जी जी। साइज इसकी जो है वो 3.5 इंचेस के करीब की है। ओके। और खूबसूरत बहुत है। हमने सिर्फ यही कोशिश की है कि जितने ज़्यादा खूबसूरत पीस ला सके उतने ज़्यादा खूबसूरत पीस हम लेकर आए। ओके। कहने का ऐसा है, हॉबीस्ट को अच्छे रेंज के अंदर जो है खूबसूरत चीज़ मिले। जी जी। अब ये जो पीसेस आप देख रहे हैं, ये सारे पीसेस जो है सेम पीसेस जो है, ये आपको और किधर नहीं देखने मिलेंगे गुजरात में, क्योंकि जी मेरा जी। माल गुजरात में और किसी के लिए नहीं आता है। ओके। मेरा माल यानी कैसा है, आपको पता है मैं सपोर्ट करता हूँ, तो ऑनेस्टली भी मैं सपोर्ट करता हूँ, वरना मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। किसी भी शॉपकीपर को अगर चाहिए भी तो उसे यहाँ से ही लेना है, गुजरात फिशरीज से ही लेना है, गुजरात फिश से ही लेना है, उसे पर्सनली नहीं मिलेगा। जी जी। मेरा माल नहीं मिलेगा, जो चाहिए वो यहीं से मिलेगा। और हमारे व्यूवर्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्वालिटी के फ्लावरॉन्स खरीदने तो आप निश्चिंत होकर गुजरात फिश शॉप में हेड कीजिए। तो जरूर। जी जी। आपको क्वालिटी जो है आप देखकर ही, मेरा दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ये जो मुझे क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है, आप वो क्वालिटी देख के आपका मन जो है ज़रूर खुश होगा। और ये फिशेस जो है काफ़ी अच्छे रेस्ट अप किए हुए हैं, और जैसे कि अब्रार भाई हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हो कि SRD में है। SRD है लेकिन SRD की खूबसूरती देखिए, मार्किंग देखिए उसकी कितनी प्यारी है। जी। हमने हर एक फिश जो है वो थाईलैंड जाकर सेल्फ सेलेक्टेड करके लाई है। जी, ऐसा जी। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है, एक भी पीस ऐसा नहीं है जो होलसेल में खरीदा हुआ है। ओके। हर एक पीस को जो है हमने सेल्फ सेलेक्ट करके लिया है, इसी वजह से आपको उसकी खूबसूरती नज़र आती है। जी। जब फिश हम खरीदते हैं तो हम हर एक चीज़ हमारे हॉबीस्ट को ध्यान में रखते हुए खरीदते हैं, और उसके अंदर का ऐसा, अभी जैसे आप इसको देखेंगे तो इसका आगे से कलर जो है वो रेड रहेगा, और इसका जो साइड का व्यू रहेगा, बैक साइड का जो पोर्शन है उसके टेल साइड के अंदर, वो चीज़ जो है वो आपको येलो शेड में दिखेगी। सेम यही पीस के अंदर है, लेकिन दोनों पीस की खासियत यह है, ये रेड आई में है और ये वाइट आई में है। ओके। ये जो पीस है सिमिलर वैसा ही मिलता जुलता पीस है, लेकिन इसकी खासियत वही है कि ये वाइट आई है। ओके। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी चीज़ है। बढ़ते हैं लेफ्ट साइड के टैंक्स की तरफ। शॉर्ट बॉडी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट। ओके। इसकी मार्किंग जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जी जी। और बहुत प्यारा पीस है, बहुत खूबसूरत है। सारे पीसेस जो आप देखेंगे वो सब आपको खूबसूरत लगेंगे। जी जी। और हर एक फ्लावर ऑन फिश में मैं देख रहा हूँ, हर एक पीस में कुछ अलग यूनिकनेस है, एक अलग आँख जो है, एक अलग आई कैचीनेस है। यहाँ पे हम बढ़ते हैं, ये वाइट आई के अंदर है। वाइट आई के अंदर आप इसकी मार्किंग देखिए, इसके पर्ल्स देखिए, इसका बॉडी शेप देखिए, फिनिश देखिए, हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपरली सिलेक्ट की गई है। जी जी। ऐसा नहीं है कि उठाए लाए और सेल कर रहे, ऐसा नहीं है। हमें हर एक चीज़ जो है, क्योंकि फ्लोरन हॉबीस्ट ये रहता है कि वो एक मरतबा परचेज करता है। जी जी। जब वो परचेज करता है तो वन ऑफ द बेस्ट देना चाहिए उसे। ट्रू। और हम वही चीज़ की कोशिश में लगे। गुजरात के अंदर काफ़ी दिक्कत आ रही थी माल सप्लाई करने के लिए, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर यह आउटलेट ओपन किया। जी जी। ताकि यानी कैसे यहाँ के हॉबीस्ट को भी हम वही चीज़ दिखा सकें जो हमारे पूना के हॉबीस्ट को दिखाते हैं। जी जी। और सारे फ्लावरॉन्स जो है एक ही साफ बात बता रहे, क्वालिटी इटसेल्फ स्पीक्स, और क्वालिटी जो है इनकी सामने दिखाई दे रही है, नहीं करते हैं। जी जी। हम अलग सी बात है, हम हमारे हॉबीज से जो है वो एक रुपया मांग कर लेंगे इसका। जी। क्योंकि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हम हमारे वेंडर्स जो रहते हैं, डीलर्स जो रहते हैं, उनको भी हम उतना जितना वो मांगते हैं उतना देते हैं। उसका रीजन ही वही है। जी। क्योंकि हमें सिर्फ, हमारा इंटेंशन सिर्फ क्वालिटी है, नथिंग एल्स। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट लवली फ्लावरॉन्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं अब्रार भाई कौन सा फ्लावर ऑन है यहाँ पे? मैग्मा मॉन्स्टर कुक जिन है। ओके। मैग्मा के अंदर कैसा है, कुछ चीज़ें हमारे पास जो है वो मॉन्स्टर कुक जिन की है, कुछ चीज़ें जो है नॉर्मल कुक की है। जी जी। हर एक फिश की एक अलग यूनिकनेस रहती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हर एक ब्लड लाइन जो है अलग रहती है। जी जी। अभी जो इसके पेरेंट्स है वो अलग है, इसके पर्ल्स जो उतने स्पार्किंग नहीं है जितने बाकी के स्पार्किंग रहेंगे, लेकिन इसका हेड जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। ओके। सिमिलर साइड वाला भी जो पीस है उसका भी हिसाब वैसा ही रहेगा, वो भी मॉन्स्टर कुक जिन के अंदर आएगा। ओके। जैसे आप देख रहे हैं ये भी, इसका भी हेड देखिए। जी, बहुत जी। अच्छा है, बहुत प्यारा। ये जस्ट अभी आए हुए हैं फिशेस। ओके। आज जो आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, क्योंकि इसका सेल अब तक ऑन नहीं किया है मैंने। ओके। और इसका सेल ऑन होगा अभी, आज जैसे ही आपका वीडियो पड़ता है। जी जी। ये वीडियो जैसे ही आएगा मार्केट में, वैसे ही इसका सेल ऑन होगा। हमने ये रखा हुआ है सिर्फ शॉपकीपर्स
और हॉबीस्ट के लिए ओके, ताकि हॉबीस्ट को हम ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे इसमें दे सके और उनको अच्छा फ़ायदा हो सके। जो आएगा पहले वो खरीद कर जाएगा पहले ओके, बुकिंग वगैरह का कोई हिसाब नहीं रहता, कम फर्स्ट टेक फर्स्ट ओके। और अंदाज लगा सकते हैं कि हाल ही में आया हुआ स्टॉक है फिर भी इतने जल्दी जो है कंफर्टेबल हो गया है, इतने जल्दी से घुल मिल गया है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चल के कितना और भी सेटल हो जाएगा। बता रहा हूँ ये मॉन्स्टर है वो हकीकतन मॉन्स्टर्स कुक है जी जी, जिनका हेड काफ़ी अच्छा बनेगा, जिनके यानी कैसा ब्लड लाइन जो है वो मैंने देखा है। ये अभी कैसा है थाईलैंड के वाटर से इंडिया के वाटर पर शिफ्ट हुए हैं जस्ट अभी, तो इसमें कैसा है अभी ये इंडिया के वाटर में सेटल होने के लिए भी टाइम लगता है इन्हें okay. तो वो यानी कैसा अभी आप उसके अंदर ये देख रहे हैं अभी जस्ट क्वारंटाइन हुए हैं, सेटल हुए हैं, अभी वो अपने शेप में आ रहे हैं। जैसे जैसे वो शेप में आएंगे, जैसा उनका हेड बढ़ेगा वैसे उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी जी जी। इन दोनों फ्लावरों के बारे में जानना चाहूँगा मैं, मॉन्स्टर कुक जी नहीं, ये पूरी लाइन जो है ओके, ये जो आप चारों पीसेस कवर कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सब जो है ये मॉन्स्टर कुक जी है, इसीलिए हमने इन्हें एक साथ में लगा कर रखा हुआ है ओके। कहने का ऐसा है हॉबीस्ट, अगर किसी हॉबीस्ट को मॉन्स्टर कुक चाहिए तो वो उसमें से सेलेक्ट करके ले सकता है। अभी जैसे कुछ वाइट आई है, कुछ रेड आईज है, सारी जो है वो ब्लड लाइन से ओके। आप देखेंगे सारे पीसेस एक्टिव है, हेल्दी है, कोई ऐसा नीचे बैठा हुआ जी। और मेरा भी मन नहीं कर रहा है कि मैं इन पीसेस के ऊपर से जो है मेरा कैमरा हटा के दूसरे पे मूव ऑन कर दूँ, क्योंकि हर एक पीस जो है काफ़ी लवली है, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरी आंखें भी हट नहीं रही है इनके ऊपर से। इसलिए मैं वीवर्स से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे स्पेशली जो हमारे गुजरात के वीवर्स हैं, एक दफ़ा आप गुजरात फिश शॉप में विज़िट करें। इस शॉप का जो है एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको जो है इनके फ़ोन नंबर्स भी वीडियो स्टार्ट होने के पहले से आपको मिल ही गए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले फ्लावरॉन्स की तरफ। तो हमने जो है इतने सारे फ्लावरॉन्स कवर किए, इतना ही नहीं अभी तक और भी खूबसूरत फ्लावरॉन्स देखने बाकी है, और हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक फ्लावरॉन खूबसूरत एसआरडी मॉन्स्टर कॉक यस प्यार आपके जी। और आगे भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फ्लावरॉन्स हैं, और यहाँ पे मैं अबरार भाई फ्लावरॉन देख रहा हूँ, इसके बारे में जान सकूँगा कौन सा फ्लावरॉन है? वाइट आई में है भाई, वाइट आई में, वाइट आई है ओके। बहुत प्यारी चीज़ है, उसकी मार्किंग बहुत प्रिटी है जी, बहुत प्यारी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, हम इन फ्लावरॉन्स के ऊपर एक नज़र देते हैं। मैगमा है, मैगमा ओके, एसआरडी, और ये एसआरडी है, एसआरडी अब बढ़ते हैं यहाँ पे, ये फ्लावरॉन मैग्मा एसआरडी ओके। और अबरार भाई और एक बात कहना चाहूँगा कि हर एक फ्लावरॉन की जो मुझे बॉडी शेप भी है काफ़ी एक्यूरेट एग्जैक्ट जैसे एक फ्लावरॉन की होती है, क्योंकि कुछ एक भी फिन्स में देख रहा हूँ इधर उधर नहीं है, कोई भी फिन्स जो है इम्प्रॉपर नहीं दिख रहे, सबकी फिन्स जो है प्रॉपर है, और सब जो है पूरे तरह से एक्टिव और वेल सेटल्ड है टैंक के अंदर, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है फ्लावरॉन के लिए, और जो ही व्यूवर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करती है फ्लावरॉन परचेस करने में, जो आप सारी फुलफिल कर रहे हो बातें। अभी जैसे आप अगर इस पीस की खूबसूरती देखेंगे जी, तो ये आगे से रेड रहेगा, पीछे से येलो रहेगा ओके। ये अभी कैसे जस्ट अभी आया है जी, इस चीज़ को बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ओके, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट अच्छे पीसेस में से है जी जी, फुल ऑन एक्टिव है, जैसे आप देख सकते हैं पीसेस के अंदर कोई इश्यूज नहीं जी है जी, क्वालिटी बहुत प्यारी है जी। और यही चीज़ जो है वो मज़ा देती है, यानी कि ऐसा जब हम खरीदते हैं, आप अभी यहाँ पर देखेंगे तो नियर बाय 100 पीसेस के करीब का स्टॉक है ओके, लेकिन यानी कि ऐसा है हर एक पीस जो है वो सेल्फ सेलेक्टेड है ओके। तो अब हम बढ़ते हैं ऊपर वाले टैंक्स की तरफ जो यहाँ पे है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक दूसरा फ्लावरॉन है। अबरार भाई क्या बताना चाहेंगे? एसआरडी है, एसआरडी फ्लावरॉन है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाइट आई ओके, खूबसूरती देखिए उसी जी, मार्किंग्स भी मैं देख रहा हूँ, और सेलेक्टेड है भाई ओके जी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अगला फ्लावर एसआरडी मॉन्स्टर कुक, रेड है एसआरडी मॉन्स्टर कुक ओके। बढ़ते अगले टैंक की तरफ, वाइट है, हमने ऐसा ही कॉम्बिनेशन हर जगह पर रखा है हर टैंक के अंदर, ताकि यानी कि ऐसा सेम ब्लड लाइन में जो दूसरी पीस है जी जी, वो एक रेड आई दिखा रहे हैं एक वाइट आई दिखा रहे हैं, ताकि हॉबीस्ट को दोनों ऑप्शंस एक जगह पर देखने के लिए मिले ओके, और वो उसके बाद डिसाइड कर सके कि कौन सा खूबसूरत दिख रहा है जी, और जी। वो उसकी पसंद से वो चीज़ खरीद सके ओके।
यहाँ पर शॉर्ट बॉडी में एक पीस बहुत प्यारा है जी, ये है, ये दोनों शॉर्ट बॉडी इसके ये है टैंक है, तो उसके अंदर रखी हुई चीज़ वही उसी। और अब्रर भाई, शायद से मैंने अभी तक ये आपको सवाल नहीं पूछा है जो शायद काफ़ी व्यूअर्स के मनों मन में रहेगा कि हम हमारे फ्लावरॉन्स को कौन सा फूड दे, और जो जिनके घर में फ्लावरॉन्स रहेगी, जो डरी रहेगी या दबी दबी रहेगी, तो उनके मन में रहेगा कि आप जैसे फ्लावरॉन्स इतने हेल्दी एक्टिव सेटल्ड कंफर्टेबल फ्लावरॉन्स कैसे करें, तो क्या सुझाव देंगे फूड के बारे में? सबसे पहली चीज़ ये है, आप आपकी फिशेस को फोर्स मत कीजिए, सबसे पहला सवाल बोला। जब फिशेस आप लेकर आते हैं तो लेकर आने के बाद का कंसेप्ट ये रहता है कि आप उसे वक्त दीजिए वो टैंक में सेटल होने के लिए जी। उसे सेटल करने के लिए आप जब कभी फिश परचेज करने के लिए जा रहे हैं, 3 दिन पहले आपको आपका टैंक क्लीन करके रखना है। टैंक के अंदर वाटर पैरामीटर्स, पानी भर कर रखिए, फिर वो पानी भरने के बाद फिर उसके बाद जो है आप हीटर ऑक्सीजन लगाकर उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब जब आप वो करते हैं उसके बाद 3 दिन के बाद फिश परचेज कीजिए। 3 दिन के बाद जब परचेज करते हैं फिश, जब आप लेकर जाएंगे तो लेकर जाने के बाद आपको उस फिश के अंदर जो है टैंक के अंदर जो है एपीआई का स्ट्रेस कोट आता है, वह स्ट्रेस कोट ऐड करना चाहिए। क्लोरीन रिमूवर अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिए अगर आप टैप वाटर यूज़ करते हैं तो। बाकी सारी जो भी इंक्वायरीज लगती है एनी टाइम हॉबीस्ट फ़ोन करते हैं और मैं उसे रिस्पॉन्स करता हूँ, लेकिन समटाइम ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया तो उस वजह से दिक्कत होती है जी जी। अब्रर भाई क्या नाम है इसका? SRD दोनों भी है, ये दोनों फिशेस SRD ब्लड लाइन में से है। ओके इसकी मार्किंग जो है, इसमें मार्किंग है और इसमें रेड कलर ज़्यादा है। ओके जैसे आप देखेंगे तो इसका रेड जो है वो डीप रेड है जी जी। और इसका जो है रेड फेंट कलर में है जी, लेकिन जी। इसकी मार्किंग बहुत खूबसूरत है। ओके तो मैं हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी सारे फ्लावरॉन्स कवर किए, देयर वॉज अ वॉल फुल ऑफ फ्लावरॉन्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट दैट्स नॉट ऑल, अभी तक सारे फ्लावरॉन्स कवर नहीं किए हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी दूसरी वॉल ऑफ फ्लावरॉन्स है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत एक्टिव वेल सेटल्ड कंफर्टेबल फ्लावरॉन्स हैं। हम वो भी देखेंगे फ्लावरॉन्स, सबसे पहले जब अब्रर भाई हमें दिखाएंगे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। SRD है, मॉन्स्टर कुक जिन में है ये दोनों बच्चे, ये चारों बच्चे जी जी जो है ये मॉन्स्टर कुक ब्रीड है। इनके कुक्स जो रहेंगे, हेड जो रहेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। स्पेसिफिकली ये जो पीस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी मार्किंग वन ऑफ द बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है इसकी मार्किंग। ओके और इन्हें का ऐसा अच्छी चीज़ है जी। यानी हॉबीज जो देखता है ना, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमने वो सारी चीज़ें। और ये फ्लावरॉन्स मैं खुद पर्सनली एक्वेरियम हॉबीस्ट होने के नाते बोलना चाहूँगा, जो हॉबीस्ट एक फ्लावरॉन में नहीं, ये जो फिश में ढूंढता है कि उसकी हेल्थ, उसका बॉडी कलर, उसकी एक्टिवनेस, उसकी जो कंफर्टेबल कंफर्टनेस है टैंक के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको आपके फ्लावरॉन्स में हमें दिख रही है, जो एक हॉबीस्ट को जो है एक इंटरेस्ट दिलाती है इस फिश को परचेज करने में, इस फिश के अंदर। अभी जैसे SJ भाई, ये हमारा जब आप आज का जो शूट कर रहे हैं जी जी, ये शूट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मेरा प्रीमियम सेक्शन जो है जी जी, जो हमारा अलग से रखा हुआ है, उसका भी व्यू दिखाने वाला हूँ जी। ताकि यानी कैसे उसमें प्रीमियम ग्रेड की जो हमारी फिशेस है, ओके, जो हमने शो ग्रेड पीसेस लाए हुए हैं, जो शो ग्रेड फिशेस है हमारी जी जी, वो सारी चीज़ें रखी हुई है। और एक चीज़ जो ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये हमारा होलसेल स्टफ है। ओके ये हमारा जो है प्रीमियम स्टफ जो है, अभी और दिखाना बाकी है। ओके अभी स्पी खत्म नहीं है, अभी और बहुत स्टॉक है जी जी आपको दिखाने के लिए। कामफास में आप देख सकते हैं, कामफास में कुछ पीसेस हमारे पास जी, आपके पास कामफास भी अवेलेबल है? यस सर। ओके तो यहाँ पे सबसे पहला कामफा हम देख रहे हैं, ये कामफास में से है भाई। ओके इसमें आप देख सकते हैं इसकी पल्स देखिए बहुत खूबसूरत है जी जी। कामफा को उतनी जल्दी हिट नहीं रहता, कामफा को हिट थोड़ा सा लेट आता है। ओके तो वो सारी चीज है, बट प्रीटी चीज है जी जी। तो अब्रर भाई एक बार फिर से बता देंगे हमने कितने टाइप्स के फ्लावरॉन्स कवर किए? अभी आपने देखे SRDs कवर किए हैं, मॉसोगुचिन कवर किए हैं, मैगमास कवर किए हैं, केमिल कवर किए हैं, और उसके अंदर कैसा है बहुत सारी चीज़ें अभी है। ये तो हमारा जो नॉर्मल प्रीट यानी कैसा है बजट फ्रेंडली जो है फिशेस जी जी, वही मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, शो ग्रेड्स का वीडियो बनना बाकी है जी जी जी। सो हमने जो है सारे फ्लावरॉन्स कवर किए, आपने जैसे कि देखा वीडियो में कि सारे फ्लावरॉन्स काफ़ी एक्टिव है, वेल सेटल्ड है, कंफर्टेबल है टैंक में, और एक भी फ्लावरॉन आपको जो है दबा दबा सा नहीं दिख रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो है मॉन्स्टर कॉक, SRD, सुपर ड्रैगन, उसके बाद में व्हाइट आई, कामफास, ये सारे कवर किए, और एक ही जगह पर आपको इतने सारे फ्लावरॉन्स, वो भी एक्टिव फ्लावरॉन्स देखने को मिले हैं। और आपने जैसे कि देखा कि हर एक फ्लावरॉन्स जो है काफ़ी प्यारा है दिखने में, और इन फ्लावरॉन्स के ऊपर से आपकी नज़र नहीं हटेगी क्योंकि हमने एक एक फ्लावरॉन को देखा है, और अब्रर भाई ने इन सारे एक एक फ्लावरॉन्स को हैंडपिक किया है।
और आप इन फ्लावरॉन्स की ब्यूटी देख सकते हो और इनके आप हेड देख सकते हो। जो एक हॉबीज ढूंढता है, सर्च करता है एक फ्लावरॉन के अंदर, वो सारे क्वालिटीज़, वो सारे फैक्टर्स एक फ्लावरॉन के अंदर जो चाहिए वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। और इस शॉप का एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द फोन नंबर। सो वी हैव कवर्ड ऑल द ब्यूटिफुल फ्लावरॉन्स एट गुजरात फिश शॉप। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई आपका फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर एंड बींग अ पार्ट ऑफ एस जे इंसेप्शंस। और कहना चाहूँगा कि काफ़ी कमाल के फ्लावरॉन्स हैं आपके, सारे हैंड पिक फ्लावरॉन्स हैं। आखिरी की चीज़ जानना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स जो गुजरात के हैं, जो गुजरात के बाहर के हैं, अगर उनको आपके फ्लावरॉन्स में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो कौन से मोड से परचेज कर सकते हैं? बेसिकली हमने जो ये गुजरात के अंदर ओपन किया है गुजरात फिश करके, तो ये हमारा इंटेंशन गुजरात के हॉबीस्ट के लिए है, हमने स्पेसिफिकली ये गुजरात के लिए किया है। वैसे मेरे हर एक स्टेट के लिए हर एक बंदे हैं, लेकिन आप अगर मान लीजिए गुजरात के अंदर के हैं और आपको गुजरात में रहते हुए गुजरात की फिशेस लेनी है, गुजरात फिश से फिशेस सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद आइए, खुद आकर देखिए फिशेस को, खुद चूज कीजिए और आपको जो पसंद आता है वो लीजिए। अदरवाइज हम जो है आपको वीडियोज भी सप्लाई करेंगे और नोट पेमेंट का जो मोड रहता है हमारा वो NFT रहता है, ताकि यानी क्या ऐसा है आप NFT से नेट बैंकिंग कीजिए और पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। आपको वीडियोज मिलेंगे, पहले आप पहले फिश सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको जो है वो डिलीवरी भी रहेगी, बट आप जैसे जानते हैं कि डिलीवरी के अंदर शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, आपको वो बेयर करने पड़ेंगे। बट अगर आप खुद आकर सेलेक्ट करके लेते हैं तो उसमें आपको शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ते हैं, जिसमें आपका वो फ़ायदा हो जाता है। और आपको एक एंटायर रेंज भी देखने मिलती है ना कि आप क्या देख रहे हैं, कितने पीसेस देख रहे हैं और कितने पीसेस में से आपने क्या सेलेक्ट करके लिए है जी। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपके नंबर्स के ऊपर भी अगर उनको इंक्वायरी करना है तो कॉल कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इश्यूज नहीं है। ओके, गुजरात फिश का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देने ही वाले हैं जी जी, जो हमारे शॉप का नंबर है, आप उस पर बिल्कुल फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एनी टाइम कोई इश्यूज नहीं। समटाइम अगर मान लीजिए रिप्लाई करने में थोड़ा डिले होता है तो समझ लीजिए, क्योंकि होलसेल भी है और रिटेल भी है, तो थोड़ा बहुत बहुत वक्त इधर 19-20 हो जाएगा, लेकिन 100% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और आपको जो भी मालूमात के मामले में कोई तकलीफ आती है या जैसे कुछ डिजीज़ के बारे में कोई कंसर्न आता है, आप एनी टाइम व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप करके वीडियो सेंड कीजिए, चेक करके आपको अपडेट दी जाएगी और उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरह से उसे ट्रीट करना है। हमारा मेन इंटेंशन हॉबी प्रमोट करना है, बिजनेस सेकेंडरी पार्ट जी जी, इसलिए हम लोग आपको इतनी डिटेल से जी। थैंक यू सो मच अबरार भाई वंस अगेन फॉर अलाउिंग अस टू कवर योर ऑल फ्लावरॉन्स। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू कवर योर ऑल फ्लावरॉन्स और काफ़ी पसंद आया मुझे आपके सारे फ्लावरॉन्स, और जाहिर सी बात है हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी पसंद आए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे फ्लावरॉन्स को दिखाने के लिए। सो दिस वॉज द टूडेज वीडियो अबाउट द फ्लावरॉन्स एट गुजरात फिश शॉप, और इनका जो है पूरे फिश शॉप का वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। इफ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, डू इट द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एसजे इंसेप्शंस। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एज आई लव्ड मेकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।